हेलो, वेलकम टू गाइस। दोस्तों, माय नेम इज एसकेआरडी और नैस ज्ञान स्टूडियो में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास सैमसंग का फोन है, इसका मॉडल है SM350D। तो दोस्तों, इस फोन का लॉक नहीं खुल रहा है, तो कस्टमर हमें दिया है लॉक तोड़ने के लिए। तो किस प्रकार से इस फोन का लॉक तोड़ सकते हैं, सैमसंग का जितने भी फोन है दोस्तों, अगर उसमें लॉक लग जाए तो किस प्रकार से आप लैपटॉप या कंप्यूटर से बिल्कुल आसानी से तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कोई सा भी मॉडल है, सिर्फ आपको मॉडल का ड्राइव्स लोड करना है। तो और टूल जो होता है सेम होता है, और प्रोसेस जो होता है बिल्कुल सेम ही होता है कीपैड वाले फोन में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेंगे ये वाला सैमसंग टूल ड्राइव 350B, जो भी आपका मोबाइल है, मॉडल है, तो उन मॉडल से आपको नेट पे सर्च करके ड्राइव डाउनलोडिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको टूल का जरूरत पड़ेंगे जिसका नाम है ऑडिन 3V3 12.5। और दोस्तों, ये पड़ेगा आपको जरूरत सैमसंग USB ड्राइव 1.73 1.0। तो ये तीन एप्स की जरूरत पड़ेंगे दोस्तों, तीन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेंगे, जो कि आप किसी भी सैमसंग कीपैड वाले फ़ोन को आप बिल्कुल से लॉक तोड़ सकते हैं और फ्लैश कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर भी चढ़ा सकते हैं। तो प्रोसेस एक ही है। तो दोस्तों, देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक डाटा केबल होना ज़रूरी है, उस और पहला स्टेप आपको करना क्या है, तो इसको आपको ड्राइव को आप इंस्टॉल कर लेना है, रन कर लेना है। तो मैं पहले से रन किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपको वर्डिंग फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ जीप फाइल से। अब उसके बाद ये हो गया मेरा ड्राइव सैमसंग B350, ये हो गया ड्राइवर। तो ये तीनों ABAP BL CSC, इन तीनों ड्राइव फ्री फायर से हम डाउनलोडिंग किए हैं, और आप इसे अपने सैमसंग फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं, कोई सा भी सैमसंग फ़ोन। तो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ टूल को, ऑडिन फाइल टूल। तो इसको ओपन करने के बाद आपको ऑडिन 3V3 को ओपन करना है। तो मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। अब आपको बैटरी खोलना है सैमसंग कीपैड का, देख सकते हैं लॉक है, तो इसको बैटरी खोल लेना है। खोल लेने के बाद दोस्तों, आपको इसको फ्लैश मोड में लेके जाना है। तो दोस्तों, इसको आप फ्लैश रिकवरी मोड में लाना है। तो इससे आपको करना क्या है, पावर 1 बटन और 0 बटन को आपको प्रेस करना है। तो इस प्रकार से प्रेस करने के बाद दोस्तों, आपका ये रिकवरी मोड में आने की फ्लैश मोड में आ चुका है। तो अब इसको पिन को लगाना है। तो अपने फोन में पिन डाल दिया हूं दोस्तों। अब आपको करना क्या, यहां पे देख सकते हैं BL AP CP, इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। तो BPL को आपको सेलेक्ट करना है। तो जब ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपका फोन का USB ड्राइव वर्क कर रहा है। ये अगर शो नहीं करेगा दोस्तों, तो आपका फोन बिल्कुल लॉक नहीं तोड़ेगा, नहीं फ्लैश होगा। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे BL फाइल को चूज करता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ BL फाइल। यहाँ पे BL फाइल को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या, यहाँ पे AP फाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं AP फाइल है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ CSC फाइल को, और यहाँ पे मेरा है CSC फाइल, इसको ओपन कर लेना है। और देख सकते हैं मेरा तीनों ड्राइव इसमें ला दिए हैं, एक्टिव कर दिए। अब इसको आपको करना क्या है, सिंपल से दोस्तों, आपको स्टार पे प्रेस करना है, स्टार पे प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार। तो स्टार पे प्रेस करने के बाद दोस्तों, मेरा फोन का लॉक बिल्कुल टूट रहा है और फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस चालू है।
तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएंगे इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों पाँच से सात मिनट लग ही जाते हैं दोस्तों इस प्रोसेस में। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फोन बिल्कुल फ्लैश हो रहा है। तो ये जैसे ही पूरा होगा कंप्लीट तो मेरा फोन का लॉक बिल्कुल टूट जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा, मैक्सिमम 6 मिनट में लॉक टूट जाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट होने वाले हैं, अब मेरा फोन का लॉक बिल्कुल टूट जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पास आ चुका है, पास आने का मतलब हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इससे निकाल लेता हूं पिन, देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़ोन का लॉक बिल्कुल टूट चुका है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या लॉक लग गया है आप फ़ोन में और फ़ोन हैंग हो रहा है और फ़ोन वर्क नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस से दोस्तों आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि इस फ़ोन का लॉक किस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, जय हिंद जय भारत। हेलो।